हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ AKJ आर्किटेक्ट इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक 3D हाउस प्लान लेकर आया हूं, जिसका साइज़ है 20x20। ये 400 स्क्वायर फीट है। ये 2 BHK हाउस प्लान है। इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये 5 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में रहेगी। आगे इसकी डिटेल किस तरह से प्लान में हम क्या डिटेल दे रहे हैं उसको भी जान लेते हैं। यहाँ हम दे रहे हैं बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, एक किचन दे रहे हैं जो कि कवर्ड किचन है, एक कॉमन टॉयलेट है, एक पोच दे रहे हैं जिसमें हम कार पार्किंग आराम से कर सकते हैं। प्लान की डिटेल किस तरह से, आइए उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये है हमारा ओवरऑल प्लान। इस प्लान में प्लानिंग किस तरह से उसको भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने एक प्लान आपको दिया हुआ है जिसमें हमने एक पोच दिया हुआ है। पोच में हमने एक वाइट कलर की हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपको रख के दिखाई है, जिसमें हमने वन साइडेड रैंप दिया हुआ है जो कि गाड़ी को ऊपर आने के लिए स्पेस देता है। यहाँ हमने वन साइडेड स्टेप दिए हुए हैं जो कि हम अपने जो है ग्राउंड फ्लोर की तरफ एंट्री करते हैं। यहाँ हमने एक स्टेयर केस दे रखी है जो कि हमें एल शेप में फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाने का प्रयास करती है। इस स्टेयर केस में हमने येलो कलर का मार्बल यूज़ किया हुआ है और वॉल पर हमने ग्रीन कलर का पेंट यूज़ किया हुआ है और पोर्च में हमने डॉटेड पैटर्न की टाइल्स यूज़ की हुई है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 10 फुट चौड़ा है और 13.25 फुट इसकी हमने लंबाई दी हुई है। इस 13.25 फुट में आराम से हम किसी भी हैचबैक मॉडल की गाड़ी को आराम से पार्क कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि है हमारा स्टेयर केस। स्टेयर केस की डिटेल किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने एक स्टेयर केस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जा रही है। इसकी अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो 3.25 फीट हमने चौड़ाई दे रखी है। 3 फीट 3 इंचज हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। इसमें राइजर और ट्रेड की बात करते हैं तो वही हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है, जो कि ट्रेड हमारा 10 इंचज़ का है और राइजर हमारा 7 इंचज़ का है। और 7 और 10 इंचज़ के राइजर एंड ट्रेड से हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ एंट्री करते हैं। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि हमारे पोर्च से हमारे घर की एंट्री जो है वो किस तरह से है। देखिए, यहाँ से हमने जो पोर्च से एंट्री दी हुई है उसको हमने जो है 3.5 फीट ऊंचा रखा है। रोड लेवल से इसको हमने 3.5 फीट ऊंचा रखा है और रोड लेवल से पोर्च को हमने 1 फुट ऊंचा रखा है। ये इस 1 फुट के लिए हमने 2 स्टेप यूज़ किए हुए हैं और यहाँ हमने ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए हमने करीब करीब 5 या 6 स्टेप का यूज़ किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 स्टेप में हम अपने ग्राउंड फ्लोर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। यहाँ हमने जो है पोर्च 1 फुट की ऊंचाई पर दिया हुआ, तो हमने आराम से कार पार्किंग के लिए इतनी जगह आराम से निकाल रखी है जिसमें हम गाड़ी को आराम से पार्क कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि ये देखिए, हमने आपको दिखाने का यहाँ प्रयास किया है कि गाड़ी को हम पार्क करके हम यहाँ आराम से इसको रख सकते हैं। और रखने के बाद हमारे पोर्च में काफ़ी जगह है और हमें स्टेप भी मिल रहे हैं ऊपर जाने के लिए, जो कि हमें अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा टॉयलेट है, वो टॉयलेट किस तरह से है। उस टॉयलेट की एंट्री हमने पोर्च में से ही दे रखी है। जो हमारा कॉमन टॉयलेट है, उस कॉमन टॉयलेट की एंट्री जो है हमने पोर्च से दे रखी है, जिसको आप देख पा रहे हैं स्टेयर के नीचे से हमने इसकी एंट्री दे रखी है। इसके डोर की अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो हमने 6 फुट का डोर दिया हुआ है और 6 फुट के डोर के साथ हम पूरे अपने टॉयलेट की तरफ एंट्री करते हैं। यहाँ हमने वॉल पे जो है हमने येलो कलर का टाइल्स का यूज़ किया, जो देखने में सुंदर लग रहा है, और फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। अब हम टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करें तो टॉयलेट का साइज़ हम देखते हैं वो किस तरह से है। देखिए, यहाँ हमने जो टॉयलेट दिया हुआ है, वो टॉयलेट का जो दरवाज़ा आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हमने जीने के नीचे से दिया हुआ है और जीने के नीचे से एंट्री होते हुए हम अपने टॉयलेट की तरफ एंट्री करते हैं। यहाँ हम उसके साइज़ की बात करते हैं तो ये 4.5 फुट चौड़ा है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दी हुई है। ये हमारा कॉमन टॉयलेट है। इसका वेंटिलेशन हम पोर्च में से आराम से कर सकते हैं। ये सेपरेट एंट्री है। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा किचन एरिया है, वो किचन एरिया किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारा जो है पोर्च में से जब हम एंट्री करते हैं तो हम जो है स्टेप से चढ़ते हुए ऊपर आते हैं और ऊपर आने के बाद सीधे अपने अपने किचन की तरफ एंट्री करते हैं। तो यह किचन की तरफ एंट्री करते हैं तो हमने यहाँ पे एक एल शेप में प्लेटफॉर्म दिया रखा है, जो कि गोल्डन एंड ब्लैक कलर के हमने स्पॉट वाला हमने मार्बल यूज़ किया हुआ है, जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। यहाँ वन साइड में हमने जो है एक सिंक दे रखा है, जो कि छोटा सा सिंक है, जिसका स्टैंडर्ड साइज जो है 18 इंचज़ बाई 24 इंचज़ का है, जो कि हमें मार्केट से आसानी से मिल जाता है। ये मॉड्यूलर किचन रहेगी जिसके नीचे हम फर्नीचर लगा के यूज़ कर रहे हैं। फ्लोर पे हमने मार्बल का यूज़ किया हुआ है। अगर इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 फुट चौड़ाई में है और 6 फुट इसकी लंबाई हमने दी हुई है। ये 5x6 का किचन काफ़ी बड़ा किचन है और इसमें जो दरवाज़ा दिया है उसकी एंट्री हमारी 3 फुट की एंट्री है, जो कि हमारे लिए सफिशियंट है और हमारा अच्छे से काम करती है।
उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि बेडरूम नंबर वन है हमारा, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए पोर्ट से एंट्री से होते से ही हम अपनी एंट्री करते हैं अपने बेडरूम नंबर वन में, जिसकी एंट्री हमारी 3.5 फीट चौड़ी है और यहाँ हमने फ्लोर पर वॉर्डन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। वॉल पर हमने पिंक या कह सकते हैं जस्ट रेड कलर का हमने वॉल पर कलर दे रखा है और यहाँ डबल बेड का पलंग शो करते हुए बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी का पॉइंट भी दिया हुआ है। इसके रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 9 फुट चौड़ा है और 10 फुट हमने इसकी गहराई दे रखी है। 9x10 का ये बेडरूम काफ़ी बड़ा है, बेडरूम में हम इसे मन चाहे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि नेक्स्ट बेडरूम है हमारा, वो किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। इसकी भी एंट्री हमने अपने पोर्च एरिया से ही रखी है, जो कि पोर्च एरिया हमारा जो है रोड लेवल से 3.5 फीट ऊँचा है, सो हमें मतलब रूम के अंदर आने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस एंट्री से हमें जैसे ही अपने बेडरूम के अंदर हम एंट्री करते हैं तो हमें 3.5 फीट का दरवाज़ा मिलता है जो हमें बेडरूम नंबर 2 में एंट्री देता है। यहाँ हमने डबल बेड का पलंग सो कर रखा है और फ्लोर पे हमने वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। इसके बिल्कुल ठीक सामने हमने एक टीवी का पॉइंट दिया रखा है और राइट साइड में हमने एक 4 फुट की विंडो दे रखी है जो कि रोड साइड में ओपन होती है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट चौड़ाई रखी है और 9 फुट ही हमने इसकी लंबाई दे रखी है। ये साइज़ काफ़ी सफिशेंट है और आराम से हम इसमें अपनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो इसका पॉइंट है, मैं एक बार अपना पूरा व्यू दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए सबसे बड़ा जो इसका प्लस पॉइंट है कि हम इतने छोटे प्लानिंग में 20x20 की प्लानिंग में 20 फुट चौड़ाई है और 20 फुट लंबाई है, इस छोटी सी प्लानिंग में हम किसी भी हैचबैक मॉडल की गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं। मतलब लोगों की समस्या ये रहती है कि इतने से छोटे प्लान में हम कैसे कार रखें, कैसे अपनी व्यवस्था बनाएं, तो ऐसा नहीं है। छोटे से छोटा व्यक्ति भी कार लेके आराम से अपने पोर्च में रख सकता है और 2 बेडरूम के साथ अपना गुजर बसर कर सकता है। इसमें हम जो है एक बेडरूम को चाहें तो अपने पास पर्सनल रख सकते हैं जो कि मास्टर बेडरूम बन सकता है हमारा, और एक बेडरूम हमारा जो है अपने बच्चों को या अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं जो कि एक सफिशेंट है। और यहाँ से हम जब इसके टॉयलेट को यूज़ करना है तो हम इसके नीचे से उतरते हुए हम पोर्च में से होते हुए अपने टॉयलेट को यूज़ करते हैं। इसकी डायरेक्ट एंट्री हमने इस वाले लेवल से नहीं दी है, इसको हमने जो है रोड लेवल से ही एंट्री दी है जो कि देखने में बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है। मैं एक बार और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, देखिए किस तरह से हमने उसकी एंट्री दी हुई है। देखो यहाँ से हम उतरते हैं, उतर के हम जाते हैं पोर्च में से होते हुए हम यहाँ इसको लेट को यूज़ करते हैं, मतलब लेट बाथ या बाथरूम को अपन यूज़ करते हैं। उसके बाद एंट्री करते हुए अपन ऊपर आते हैं और अपने बेडरूम का यूज़ करते हैं। तो इतनी छोटी सी प्लानिंग में इतने अच्छे से हमने इसको मैनेज किया है और देखने में सुंदर भी लग रही है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।